सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। जिन फैमिली मेंबर्स को आप सिर्फ एक सामान की तरह यूज करते हो, जरूरत होती है तब उन्हें अपना कहते हो और जरूरत नहीं होती तो मोबाइल में बिजी रहते हो, और मोबाइल में बिजी उनके साथ जिनसे कभी मिले ही नहीं। तुम्हारी माँ इंतजार करती रहती है कब आएंगे मेरे बच्चे, और बच्चे सीधे अपने कमरे में। तुम्हारा बूढ़ा बाप जो इंतजार करता रहता है मेरा बेटा आएगा मेरे पास बैठेगा, मेरी तबीयत खराब मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, लेकिन बेटे को मोबाइल से फुर्सत मिले तब मैंने चेक कर लिया यही सब ठीक है। अरे भाई तू डॉक्टर नहीं है, एक बार चेक करा ला, महीने में एक बार चेक कराने में कुछ नहीं जाना। और एक बात बताऊं, माँ बाप वो संपत्ति है शायद जीते जी समझ में ना आए लेकिन जाने के बाद बहुत याद आती है बहुत। इस संसार में सब किसी की जगह कोई भर सकता है लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं भर सकता। माँ बाप बोलते हैं, इसलिए मैं बच्चों से ये तो नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल यूज मत कीजिए, पर इतना जरूर कहूँगा कि थोड़ा सिंसियर बनिए, अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोबाइल में बिजी रहो और कोई घर का बड़ा अपनी यात्रा पूरी कर चुका हो और तब तुमको मलाल रह जाए कि अंतिम समय जाते जाते वो हमें कुछ नहीं कह के गए। इसलिए प्लीज़ केयरफुल, इस मुसीबत से बचो। मैं आपका भाई हूँ, मुझे मत समझो गुरु महाराज, बहुत कुछ नहीं हूँ मैं, आई एम कॉमन लाइक यू। लेकिन निवेदन है अपना भाई समझ के, छोटा बड़ा बेटा समझ के इस बात को मानो, मोबाइल को दिमाग पे हावी मत होने दो, अच्छे बनो, अपने माँ बाप को समय दो, अपने परिवार को समय दो, अपने परिवार को संभालो। अरे ये समय ऐसे ही हवा की तरह उड़ा चला जा रहा है, लौट के आने वाला नहीं है, गया तो गया, ध्यान रखना इस बात का। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी जय हो इंडिया ऐप इंस्टॉल करें और पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को फॉलो करें।